अभी ओटिस का डिनर का टाइम है और ये अभी यहाँ बैठ कर वेट कर रहा है। इसको पता है कि किचन इधर है तो यहाँ पे बेटा बैठा हुआ है। ओटिस क्या हुआ बेबी, भूख लगी है? हाँ चॉय से खेलना है। ठीक है आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। ये देखो अपना जो भी एग्री करता है तो ये अपना जो टेल है उसको वेव करता है, और ये जो टॉय से खेल रहा है ये होममेड है, ये घर पे बनाया हुआ है। इसका वीडियो हम जल्द ही शेयर करेंगे कि कैसे बनाना है, पर अभी इसको भूख लगी है तो चलते हैं पहले इसके डिनर की तरफ। अभी ओटिस यहाँ पे आके बैठ गया है पेशेंटली पूरा खाने के लिए, और इसके लिए हमने बॉईल किया है कैरेट, और ये है कुछ बॉईल्ड पोटैटोज, और ये है बॉईल्ड एग। अगर आप दिन में एक एक दे रहे हैं तो उसका येलो पार्ट दे सकते हैं, पर अगर एक से ज़्यादा एक दे रहे हैं तो एक येलो पार्ट देने के बाद बाकी का येलो पार्ट हटा दीजिए, सिर्फ वाइट पार्ट दीजिए। और अगर आपका पपी बड़ा हो गया है तो आप येलो पार्ट ज़्यादा दे सकते हैं, एक दिन में दो एग का येलो पार्ट दे सकते हैं, और उसके उससे ज़्यादा अगर आप एग दे रहे हैं तो सिर्फ वाइट पार्ट दीजिए। कैरेट को हम ऐसे स्मैश कर देंगे, ये बॉइल्ड है तो आराम से हो जाएगा ताकि उसको अटके नहीं। स्मैश करने के बाद आपका जो होम फूड आपने डॉग के लिए प्रिपेयर किया है कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए ओटिस एकदम पेशेंटली बैठा है अपने खाने के लिए, और उसको भूख भी लग रही है, और देखिए वो कैसे जीभ लपलपा रहा है। ओटिस जीभ लपलपाई ये उसका खाना है। आ जाओ बच्चा खाएंगे। अभी हम डाल रहे हैं और यहाँ तो सबसे पहले हम कुछ डॉग फूड देंगे। डॉग फूड हर एक मील के साथ थोड़ा तो जरूर दीजिए, इसलिए दीजिए क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स आप होम फूड से पूरा नहीं ले सकते। और इस बेबी स्टे, वेट वेट, सिट सिट, गुड बॉय, सिट सिट, स्टे। स्टे। ओटिस ईट, और आप ऐसे स्टैंड के में इसको खाना दीजिए ताकि इसका जो नेक है वो बिल्कुल ही सीधा रहे। अगर बार बार नेक पूरा नीचे करके खाता है तो वो एक प्रॉब्लम है। अब देखिए ये खा रहा आराम से, गुड बॉय गुड बॉय। और जब भी आप अपने पप्पी को खाना खिला रहे हैं तो उसको ऐसे हाथ फेरिए, वरना क्या होगा कि आप कभी भी उसको हाथ नहीं फेरेंगे और आदत नहीं होगा उसको खाते समय टच करने का, तो सडन से अगर आप खाने में कुछ करेंगे ऐसे हाथ डालेंगे तो वो आपको बाइट कर लेगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत खाना आप उसको अपने हाथ से भी खाए। और जस्ट इट इट, ये गुड बॉय। देखिए मैं हाथ डाल रही हूँ उसके खाने में पर वो मुझे कुछ भी अटैक नहीं कर रहा है या गुर्रा नहीं रहा है। इट इट इट, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे ओटिस के साथ कनेक्टेड रहिए। और अगर आपके घर में कोई पेट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके घर में कौन सा ब्रीड है, कौन सा पेट है और उसका क्या नाम है। ये गुड बॉय गुड बॉय, ना क्यूट है ओटिस बेबी, गुड बॉय। ये देखिए किस स्टाइल में बैठ के खाता है, ये अभी डांस करेगा जैसे। ये देखिए पूरा क्लीन कर दे रहा है, गुड बॉय। अच्छा जब इसको पता हो जाता है कि मेरा वीडियो शूट हो रहा है तो फिर ये इधर ध्यान देने लगता है। दिखाओ बेबी मुंह दिखा, ऑलिव खत्म कर दिया, गुड बॉय। अब ओटिस को 20 मिनट्स के बाद सिर्फ कर्ड मिलेगा ताकि जो भी फूड खाया वो बहुत अच्छे से इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ओटिस बाय कर दो, से बाय।
ओके देखिए ये फूड इसको इतना टेस्टी लगा कि खाली होने के बाद भी बॉल को चाट रहा है जाकर, क्लीन पूरा क्लीन कर दिया। वाह टेस्ट वेरी गुड। अब थोड़ा फ्रेश वाटर डाल दीजिए। खाना खाने के बाद, और ये ध्यान रखिए कि हमेशा उनके बॉल में फ्रेश वाटर अवेलेबल हो ताकि उनके लिए पानी का कभी भी कमी नहीं हो और बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे। और अभी इसको 20 मिनट्स के बाद कट देंगे। तो आप लोग सब आई होप वीडियो को एंजॉय किए होंगे और कुछ होममेड फूड कैसे बनाते हैं उसका आइडिया भी मिला होगा। तो कर्ड आप सीजन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसके हिसाब से दे सकते हैं और रात में भी दे सकते हैं, पर अगर मौसम थोड़ा बारिश वाला है या थोड़ा विंटर का टाइम है तो आप कर्ड ना दें। वैसे मैं आप कर्ड रात में ना दें और आप कर्ड दिन में दे सकते हैं। और आई होप आप लोग वीडियो इंजॉय किए होंगे, अगर वीडियो इंजॉय किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आए। थैंक यू, बाय बाय। ओटिस से बाय। ओ देखिए बाय बाय। ओटिस बाय बोल दो, हाई फाई दे दो, हाई फाई दे दो, हाई फाई। ओ अभी खाना खा के अभी सोने का मूड है। ओके चलो कोई बात नहीं।